आज मैं आपके लिए चिकन चिली फ्राई की रेसिपी देने जा रही हूँ। उम्मीद करती हूँ मेरी आज की रेसिपी भी आपको पसंद आएगी। अगर आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल आयशा रेसिपीज़ को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल का बटन भी दबाइए ताकि मेरी हर आने वाली नई रेसिपी फौरी आप तक पहुँचे। तो आए देखते हैं इसे हमने कैसे तैयार किया है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू आयशा रेसिपीज़। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ चिकन चिली फ्राई की रेसिपी, रेड चिली चिकन फ्राई की रेसिपी। शुरू करते हैं बिस्मिल्लाह रहमान रहीम से। ये एक किलो चिकन लिया है मैंने, ये जाएगा इसमें। इसके इंग्रेडिएंट्स में शामिल हैं, मैं 2 टेबलस्पून मैंने कॉर्नफ्लोर लिया है, 2 टेबलस्पून मैंने बेसन लिया और 2 टेबलस्पून मैंने मैदा लिया है, 2 टेबलस्पून मैंने इसमें सोया सॉस लिया है, 1 टेबलस्पून सिरका लिया है, 1 टीस्पून इसमें मैंने चिकन पाउडर लिया है, क्या कहते हैं 1 टेबलस्पून इसमें मैंने मैक्रोनी पाउडर लिया है, 1 टेबलस्पून इसमें मैंने तिक्का मसाला लिया है, 1/2 टीबलस्पून इसमें मैंने चाट मसाला लिया है, 1 टेबलस्पून इसमें मैंने नमक लिया है, 2 टेबलस्पून भुना कुटा ज़ीरा और भुना कुटा धनिया लिया है, काला नमक लिया मैंने 1/2 टीस्पून, फूड कलर लिया मैंने 1/2 टीस्पून, 2 टेबलस्पून मैंने चिली सॉस लिए है और 1/2 टीस्पून मैंने ब्लैक पेपर यानी कि काली मिर्च ली है। सबसे पहले हम इसमें सिरका डाल देंगे चिकन में, उसके बाद सोया सॉस डाल दें, रेड चिली पाउडर, 2 टेबलस्पून भुना कुटा ज़ीरा, भुना कुटा धनिया ये जाएगा इसमें, चिकन पाउडर जाएगा इसमें, 1/2 टीस्पून चाट मसाला लिया है मैंने, ये मैक्रोनी पाउडर लिया है 1 टेबलस्पून, 1 टेबलस्पून इसमें मैं तिक्का मसाला यूज़ कर रही हूँ, 1/2 टीस्पून इसमें मैं काला नमक यूज़ कर रही हूँ, फूड कलर जाएगा इसमें 1/2 टीस्पून, चिली सॉस जाएगी 2 टेबलस्पून, 1/2 टेबलस्पून इसमें नमक जाएगा और 1/2 टीस्पून इसमें मैं काली मिर्च यूज़ कर रही हूँ। इन सारी चीज़ों को थोड़ा सा मिक्स कर लें। इनको मिक्स करके आधे घंटे के लिए मैं रख दूँगी और फिर ये कॉर्नफ्लोर, बेसन और जो मैदे का मैंने अमेजा बना मतलब रखा है बनाकर वो डालेंगे इसमें। आधे घंटे के लिए हम इसको वेट होने के लिए रख देंगे। चिकन हमारा मैरिनेट हो गया, अब मैं इसमें कॉर्नफ्लावर, मैदा और बेसन जो है वो डाल रही हूँ। इसको दोबारा से मिक्स करें। मैंने चिकन में कट लगा लिए थे पहले से ताकि मसाले जो हैं हमारे अच्छी तरह से रच जाएं इसमें। चिकन को दोबारा से रखते हैं आधे घंटे के लिए और फिर हम इसे फ्राई करते हैं। ऑयल हमारा गर्म हो गया और डाल दें, खूब अच्छी तरह से ऑयल गर्म करके उसके बाद हल्की आंच पे रख दें इसको ताकि अंदर से अच्छी तरह से कुक हो जाए। चिकन हमारा फ्राई हो गया, 20 से 25 मिनट लगते हैं उसको सही तरह से फ्राई होने में। अगर आपने मतलब तेज़ आंच पे किया तो ये अंदर से कच्चा रह जाएगा। डिश आउट करके आपको दिखाती हूँ।